सेकंड स्टंजा आपने पूछा दोबारा से, वो ये कह रहे हैं दाउ ऑन हूज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज टू मोशन लूज क्लाउड लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड शू फ्रॉम द टेंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन दैट देयर इज अ बिग ट्री जिसकी हूज ब्रांचेस आर इन हेवन, और जिसका जो कह लें शाखें जो है वो ओशन के अंदर, एक बहुत बड़ा ट्री है आसमान और ओशन के दरमियान, उसके ऊपर जैसे के पत्ते होते हैं, अर्थ के जो पत्ते होते हैं समझ लें, वो पत्ते जितना से गिर रहे हैं, वो पत्ते जितना से गिरते हैं उस तरह से जब ये वेस्ट विंड जो है वो स्टीप स्काई कमोशन यानी कि स्काई में जाके जब हलचल मचाती है, तो ये क्लाउड भी जो है इन पत्तों की तरह जब गिरते हैं लूज होके थोड़ा नीचे हो जाते हैं और वेस्ट विंड की सरफेस पर आ जाते हैं. तो यहाँ पे वो सिमिली यूज कर रहा है, एक बड़े से दरख्त उसको तशबीह दे रहा है जिसकी शाखें जो है वो आसमान तक जाती हैं और जड़ें जिसकी ओशन के अंदर होती हैं, और जब सूख जाते हैं पत्ते और गिर जाते हैं ना, उसी तरह से जो है वो वेस्ट विंड के आने से और आसमान में हलचल मचाने से ये जो क्लाउड होते हैं ये ऊपर से जरा नीचे आ गिरते हैं, वेस्ट विंड की सरफेस पर आके गिरते हैं. और ये क्लाउड के बारे में ही नेक्स्ट टेंजा में बता रहा है कि एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग दे आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ नाइन एरी सर्ज. एरी सर्ज मीन्स वेव्स ऑफ एयर, उसकी जो वेव्स होती है एयर की उसके ऊपर जो है वो फैल जाते हैं ब्लू सरफेस पर. और ये एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग मतलब वो क्लाउड को कह रहे थे, दीज क्लाउड आर द मैसेंजर ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, दे ब्रिंग लाइटनिंग एंड रेन अलॉन्ग विद देम. ये जो क्लाउड्स होते हैं ये अपने साथ रेन और लाइटनिंग को लेकर आते हैं. लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम स्पिरिट मेनेड इवन फ्रॉम द डिम वर्ल्ड ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ हाइट द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म. वो यहाँ पे अब फिर रेफरेंस दे रहा है, यूज कर रहा है कि बिल्कुल इस तरह से ये जो बादल होते हैं इस तरह से होते हैं, उड़े पड़े होते हैं, जिस तरह से मेनेड जो कि बेकस की एक फीमेल फॉलोअर है. Who was Bacchus? Bacchus was a Greek god of wine. उसकी एक फीमेल फॉलोअर है मेनिस, जिस तरह से उसके बाल जो है वो उसकी जुल्फे जो है वो बाल का एक लॉक ऑफ हेयर जो है जो उसकी उड़ी पड़ी होती है, इस तरह से ये जो बादल है वो मतलब कह लें कि उस तरह से लग रहे होते हैं, उस तरह से बिखरे पड़े होते हैं जो कि भरे पड़े होते हैं रेन से लाइटनिंग से जो बाल क्लाउड होते हैं. और वो इवन फ्रॉम द डिम वर्ल्ड ऑफ द होराइजन जो कि उफक की एक हल्की सी हल्के से मतलब कह रहे हैं डिम वर्ल्ड किनारे से, उफक के एक डिम किनारे से लेकर जेनिथ हाइट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई. जेनिथ हाइट मींस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई, वहां तक नजर आ रहे होते हैं ये क्लाउड. द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म जो कि एक्चुअली में क्या है, इंडिकेटर ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म विच इंडिकेट दैट द storm is approaching and the storm is going to blow soon. जल्दी कोई जो है वो तूफान आने वाला है जिसका वो messenger होते हैं, इशारा देते हैं. Thou dirge of the dying year. अब एक और वो simile use कर रहा है अब west wind को. अब क्या कह रहा है, dirge means mercia, a funeral song. funeral song जो किसी की मौत पर गाया जाता है ना गाना, वो ऑफ द डाइंग ईयर. और मरा कौन है, डाइंग ईयर, जो साल पहले जो साल खत्म हुआ है उसको डाइंग ईयर कह रहा है, मरता हुआ साल, खत्म होने वाला साल. तो यहाँ पे फिर वो पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहा है, डाइंग ईयर बोल रहा है खत्म होने वाले साल को. तो वो कह रहा है कि ये जो बेस्ट विंड है ना, ऐसा लगता है जैसे मरने वाले की याद में गाया हुआ फ्यूनरल सॉन्ग है. टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम ऑफ अ वास्ट culture vaulted with all thy congregated might. Congregated means bring together in large amount. ठीक है, vaulted means arched roof. Arched roof यानी कि एक गुम एक roof, एक छत जो थोड़ी गुलाई में होती है उसको बोलते हैं vaulted. और sculpture होता है एक कमरा छोटा सा कह रहे हैं जिसमें आप किसी dead body को रखते हैं. तो वो कह रहा है कि और जो तो ये जो मरा कौन है ये साल, अब आप इसको एज अ ह्यूमन इमेजिन करें क्योंकि पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, कि एक साल जो है वो एक इंसान को समझ में कि वो मर गया, और ये जो क्लोजिंग नाइट है खत्म होने वाली रात है ये उस
पलचा यानी कि जो उसका टॉम्ब है, जो उसका मकबरा है, उसका डूम है, उसका गुंबद बन गई है ये रात जो है, वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स, जो के रूफ जो है वो, ये जो गुंबद वाली जो रूफ है ये बनी किससे हुई है, तुम्हारे जमा किए हुए जो वेपर्स हैं यानी वेस्ट विंड के जमा किए हुए वेपर्स जो है उनसे भरी पड़ी है, वो वेपर्स से भर कर वो रूफ बनी है। वो वेपर्स किस चीज के हैं, स्टॉर्म के वेपर्स हैं, जो स्टॉर्म लाने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉम हूज सॉलिड एटमोसफेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हियर, जिसके सॉलिड एटमोसफेयर में से क्या निकलेगी, फायर निकलेगी, रेन निकलेगी, फायर का मतलब यहाँ लाइटनिंग है, लाइटनिंग, रेन, हेल मतलब हेल स्टोन विल बर्स्ट निकलेंगे ओ हियर, यानी कि ओ हियर, वो फिर से वेस्ट विंड को कह रहा है कि प्लीज हेयर मी, लिसन टू मी, ठीक है। ये था सेकेंड स्टेंजा। अच्छा, थर्ड स्टेंजा मैंने आपको करवा दिया, एक बार दोबारा से एक ओवरव्यू दे दूं अगर, कि थर्ड स्टेंजा में नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट विंड ऑन ऑन सीज एंड ओशन, सी और ओशन पे जो उसके इफेक्ट होते हैं वो उनकी बात कर रहा है। एंड ही हियर टॉक्स अबाउट मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन, बिकॉज मेडिटेरियन सी इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन जिसको हम बहरे ओकियानूस बोलते हैं, और मेडिटेरियन सी जिसको हम बहरे रोम बोलते हैं, जो कि अफ्रीका के नॉर्थ में, बड़े आज अफ्रीका के नॉर्थ वाली साइड पर है, और ये वेस्टर्न साउथर्न साइड से एनाटोलिया वगैरह से भी मिलता है, ठीक है। उसकी बात हो रही है यहाँ पे वेस्ट मेडिटेरियन सी की। और वो क्या कहता है कि दाओ तुम जिसने वेकन फ्रॉम समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरियन, नीले रंग के मेडिटेरियन सी को उसके ख्वाबों से जगा दिया, जो कि वो समर में देख रहा था, समर टाइम में, यानी कि उसमें कोई हलचल नहीं मची थी, ना कोई समुद्री तूफान आया था, तो बड़े आराम से सो रहा था। वेयर ही ले लल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, क्रिस्टलाइन मीन्स यानी कि उसका साफ शफाफ पुरसकून स्ट्रीम जो उसके अंदर आके गिरती थी, नदियां कहने जो उसके अंदर आके गिरती थी, उसकी वजह से वो लल्ड यानी कि वो लोरी दे के सोया पड़ा था। बिसाइड अ किसके करीब, बिसाइड अ पुमाइस आइल, आइल मीन्स आइलैंड, पुमाइस मीन्स लावा, जहाँ से निकलता है, फिर निकलने के बाद ठंडा हो जाता है, उस आइल के पास वो सो रहा था। इन बेज बे, बे मैंने आपको बताया खलीज, खलीचे को बोलते हैं, जो कि गल्फ का छोटा हिस्सा होता है, क्योंकि गल्फ खलीज को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेज बे का मतलब ये है, बे जो है वो एक्चुअली एक टाउन है इटली में कहले है, और वहां पे रोमन एम्पायर का जो है वो कहले वो समर स्पॉट होता था, वो समर वेकेशन स्पेंड करने का स्पॉट होता था ये बेज जो टाउन था, क्योंकि वहां पे उनके पैलेसेज होते थे, टावर्स होते थे, वहां पे लोग आया जाया करते थे जब रोमन एम्पायर था तो। लेकिन ये रोमन एम्पायर अरब लोगों के आने के बाद जो है वो टूट गया, कमजोर पड़ गया, और फिर ये पैलेसेस और टावर की जो बाकियात है वो समुन्दर के अंदर जो है वो पानी के अंदर चली गई, ठीक है। तो कह रहे कि ये जो मेडिटेरेनियन सी इतने मजे से सोया पड़ा था ना समर्स में, इस वेस्ट विंड ने आके तो उसको भी तंग कर दिया, वेस्ट विंड ने आकर उसको उसके ख्वाबों से, उसको उसके ख्वाब से जगा दिया, और वो क्या ख्वाब देख रहा था, एंड सॉ इन क्रीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, वो जो अपने ख्वाब में पुराने पैलेसेस और टावर्स को जो कि रोमन एम्पायर के थे उसको ख्वाब देख रहा था, क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर इंटेंसर डे। वेस्ट विंड ने उनको आके उसको उसके ख्वाब से तो निकाल ही दिया, क्विवरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग, जो कि वेव्स इंटेंसर डे, जो बहुत ज्यादा वेव हो जाने की वजह से ये टावर्स और पैलेसेस भी कांपने लगते थे, उनको भी उसने कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वेव जो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है, तो ये जो बाकियात थी, इन रुइंस जो थी, ये रुइंस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती थी या और ज्यादा मतलब इनमें हलचल मच जाती थी, तो वो उसकी तरफ जिक्र कर रहा है। तो वो ही इज हियर टॉकिंग अबाउट द लाइफ इन साइड द ओशन, वट इज हैपनिंग इन साइड द ओशन बिकॉज ऑफ वेस्ट विंड, वेस्ट विंड इज कॉजिंग लॉट ऑफ ट्रबल इनसाइड दी ओशन एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्चुअली वेस्ट विंड की पावर को दिखा रहे थे, दैट वेस्ट विंड इज सो पावरफुल दैट इट इफेक्ट्स द अर्थ एज वेल एज सीज एंड ओशन, ठीक है। ऑल ओवरग्रोन विद अजोर मॉस एंड फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस पेंट पिक्चरिंग देम,
अब ये जो पैलेसेस और टावर्स थे क्योंकि ये बाकियात थी और समुद्र के अंदर पानी के अंदर काफी अर्थों से थी, तो उसके ऊपर जो है फ्लावर्स और मॉस जो है वो उगाया, काई जिसको बोलते हैं, फंगस कह लें, वो उगी हुई है, ओवरग्रोन हुई हुई है और वो इतनी स्वीट है, बहुत स्वीट है, द सेंस पेंट पिक्चरिंग देम, कि हमारी जो सेंसेस हैं वो उसको उसको इमेजिन करने से काफिर है, उसको सूंघने से उसकी स्मेल को काफिर है। Thou for whose path the Atlantic level powers cleave themselves into chasms, तुम्हारी वजह से Atlantic Ocean यानी कि बहरे ओकेनूस को जो है अपने chasms बनाने पड़े, cleave means चीरना, जिसने हमने आपको चीर दिया into chasms, chasms means कह लें छोटे छोटे opening जो earth में हो जाती है पानी की, उसको बोल रहा है। While far below the sea blooms an oozy wood which wear the sapless foliage of the ocean, know thy voice and suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves for hair. वो कह रहा है कि और far below समुद्र में जो plants हैं, जो flowers हैं, जो समुद्री फर्श के ऊपर जो भी चीज होती है, समुद्र का भी तो फर्श होता है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि वो पानी की कोई एंड तो हो गई ना, कोई फर्श होगा ना समुद्र का, उसके एंड पर तक उसके एंड तक जो प्लांट्स जो 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 प्लांट्स जो ऊज यानी कीचड़ टाइप होता है उसको बोलते हैं, समुद्री फर्श का कीचड़ उसको ऊज बोलते हैं, वो जो बहुत सी चीजों से जमा होकर बना होता है, वो जो है ओशन में जब आती है ना वेस्ट विंड, वो भी डर जाता है और वो भी ग्रे पड़ जाता है फेयर से और ट्रेम्बल करने लगता है और अपने पत्ते गिरा देता है। ओ हेयर, वो कह रहा है कि वेस्ट विंड ओ हेयर, अब मुझे भी सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेफरेंसेस यूज हुए हैं, ये यहाँ पे भी सिमिलीज यूज हुई है और वो ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओशन में आपको बता दूं फिर से, अटलांटिक ओशन है, मेडिटेरियन सी है, विच इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन, एज देयर आर फाइव ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में पांच ओशन है, बाकी सीज है, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी पर्सनैलिटी को, अपने पर्सनल व्यूज को उसने बहुत ज्यादा उसने एक्सप्रेस किया इसके अंदर, ठीक है। If I were a dead leaf, thou mightiest bear, if I were a swift cloud to fly with thee, a wave to pant beneath thy power and share the impulse of thy strength. Only less free than thou, O uncontrollable. वो यहाँ पे कह रहा है कि अब वो विश कर रहा है, वो बहुत पर्सनल अपनी डिजायर का इजहार कर रहा है कि अगर मैं भी एक डेड लीफ होता, thou mightiest bear, जो तुम्हारी ताकत के साथ उठ के चल पड़ता, तुम्हारे साथ चल पड़ता, if I were a swift cloud to fly with thee, या फिर मैं कोई तेज बादल होता जो तुम्हारे साथ चल पड़ता, तुम्हारे साथ होता, a wave to pant under thy power, कोई वेव होता, कोई समुद्र की वेव होता जो तुम्हारी पावर की वजह से जो है वो मतलब और पावरफुल हो जाती है, तुम्हारी पावर की वजह से तेज हो जाती है जो वेव होती है, एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ थाई स्ट्रेंथ, और तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी पावर में शेयर करता, ठीक है, तुम्हारी पावर में शेयर करता, ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतना फ्री नहीं हूँ, ओ अनकंट्रोलेबल, बिकॉज यू आर अनकंट्रोलेबल, यू कैन नॉट बी टेम्ड, यू कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यू कैन नॉट बी ओवर पावर्ड, बट आई एम नॉट एज फ्री एज यू, ठीक है। वो कह रहा है कि हैड आई बीन अ क्लाउड, हैड आई बीन अ लीफ, हैड आई बीन अ वेव, तो मैं क्या करता, अगर मैं ये सब होता तो मैं भी पावरफुल होता जैसे कि तुम हो, बिकॉज यू आर अनकंट्रोलेबल, आई कैन बी कंट्रोल, आई एम नॉट एज फ्री एज यू, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन एज देन, वो कह रहा है कि ना ही मैं अब कोई बच्चा हूँ या बॉयहुड में की एज में हूँ, जब इंसान बड़ा फ्री होता है, बड़ा टेंशन फ्री होता है, बड़ा चुलबुला होता है, अकेले जो इधर उधर फिरता रहता है, तो मैं तुम्हारा, अगर मैं या तो भी मैं बॉय होता ना, तो मैं तुम्हारे
तुम्हारा कॉम्रेड होता, तुम्हारा फ्रेंड होता तुम्हारी वॉन्डरिंग में, ओवर हेवन मींस आसमान पर तुम्हारे साथ जो फिरने तुरने में तुम्हारे साथ होता, एज देन देन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड स्केर्स सीम्ड अ विजन आई वुड नेवर हैव striven as thou with thee in prayer in my sore need. O lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the stones of life and leave. अच्छा यहाँ पे outstrip का मतलब है move faster and overtake. तो मैं तुम्हारे से बहुत तेज चलता और मैं भी skies को यानी कि overtake कर लेता, पता कर लेता मैं भी स्काई को, जैसे तुम स्पीड से करते हो और दूर विजन जो है वो नजर भी नहीं आता, ठीक है, वो मुश्किल विजन नजर आता है. आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन यानी कि कोशिश करना एज थर्स विद दी इन प्रेयर इन माय सोर नीड. तो यहाँ पे कह रहा है कि वो कोई लड़का नहीं रहा जो वेस्ट विंड की तरह जो है वो स्पीड से स्पीड से इधर उधर जा सकता है, लेकिन वो वेस्ट विंड के साथ रहना चाहता है, उसको अकंपनी करना चाहता है उसकी फ्लाइट में, उसके इधर उधर उड़ने में उसके साथ साथ देना चाहता है, यानी कि वो उतनी एनर्जी चाहता है, उतनी विटिलिटी चाहता है, उतनी पावर चाहता है जितना वेस्ट विंड के पास है. और जैसे अगर वो बॉय होता अगर अभी तक तो शायद उसके पास होती, लेकिन ना तो वो बॉय है और ना ही वो वेस्ट विंड की तरह, इसलिए वो वेस्ट विंड से अपील कर रहा है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ. और वो कहता है कि काश मैं भी लिफ्ट मी एज अ वेव, ये मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहिए, चाहे मुझे वेव बना लो, चाहे लीफ की तरह उठा लो, चाहे क्लाउड की तरह उठा लो, आई फॉल अपॉन द स्टोन्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड. यहाँ पे एक्चुअली वो इस लाइन में कह रहे हैं, इतनी इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि एज अ प्रोवर्ब भी यूज होती है ये इंग्लिश लिटरेचर में. I fall upon the thrones of life. Thrones of life से वही आप देख रहे that life is not a bed of roses. Life is a bed of thorns. यहाँ इसको वही मतलब है that life is not a bed of roses. Life is a bed of thorns. So life is a bed of thorns for him. He thinks that life is very sorrowful. My life is very sorrowful. I have miseries, problems in my life. लेकिन I fell upon the thrones of life. I bleed. मैं जिंदगी की तकलीफों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह फ्री होना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह मुझे लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पावर चाहिए. अ हैवी वेट ऑफ आर्स हैज चेंज एंड बाउड वन टू लाइक दी सेम लेसन स्विफ्ट एंड प्राउड. तो वो कह रहा है कि वो भी कभी टेमलेस wild, uncontrollable होता था, तेज होता था, swift होता था, wild wind की तरह, west wild wind की तरह, लेकिन अब वो जो है वो oppressed feel करता है by the sorrows and miseries of life. उसकी वजह से वो थोड़ा सा दबा दबा सा feel करता है, वो अपने आप को powerless feel करता है और उसको feel करता है कि मेरे अंदर अब energy नहीं रही, इसलिए वो अपनी energy, अपनी power जो है वो west wind से मांग रहा है. तो यहाँ पे nature को powerful दिखाया हुआ है, nature को powerful बता रहा है. तो वो कह रहा है कि मेरे पर हैवी वेट ऑफ आर्स, मतलब यानी कि तकलीफों का बोझ है जिसने मुझे चेंज किया हुआ, यानी कि मुझे बांध के रखा हुआ है, बाउड मुझे झुका दिया है, वन टू लाइक दी, वरना मैं भी कभी तुम्हारे जैसे साथ टेमलेस. टेमलेस कैसा होता है, मतलब होता है जिसको आप टेम नहीं कर सकते, मतलब जिसको आप सुधार नहीं सकते, जिसको आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, ठीक है. एंड स्विफ्ट बहुत तेज था और बहुत प्राउड था, कभी तुम्हारी तरह ही और मैं तुम्हारी तरह ही होना चाहता हूँ, ये उसकी एक डिजायर है और ये बहुत पर्सनल लाइन है और बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है. तो नेक्स्ट स्टैंजा, दिस इज द लास्ट कैंटो. मेक मी थाय लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, व्हाट इफ माय लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, द ट्यूमल्ट ऑफ थाय माइटी हार्मनीज विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटम्नल ट्यून. Sweet though in sadness be thou spirit, fierce my spirit be thou me in piteous one. यहाँ पे वो कह रहा है कि make me your lyre. Lyre is a musical instrument, a round musical instrument, U-shaped musical instrument. वो एक musical instrument होता था. तो वो कह रहा है कि even as the forest is,
मेक मी योर लायर एज यू हैव मेड फॉरस्ट योर इंस्ट्रूमेंट फॉरस्ट योर लायर, जितना तुमने फॉरेस्ट को अपना लायर यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जब वहाँ पे जाती है तो उसकी आवाज़ें बड़ी हारमोनियस आवाज़ें इसकी सुनाई देती है, इसके साउंड सुनाई देते हैं इसकी तेज हवाओं के, बेशक मेरे लीव, बट इफ माई लीव आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, चाहे मेरे लीव जो है वो गिर जाएं, जैसे फॉरेस्ट के लीव जो है वो ऑटम में गिर जाते हैं, लेकिन द ट्यूमल्ट ऑफ माय मल्टी हारमोनीज, लेकिन जो तुम्हारी हारमोनीज है, लेकिन मुझे अपने जो है वो कह रहा है कि साथ मुझे अपना म्यूजिक बना लो, जो हारमोनियस साउंड तुम प्रोड्यूस करते हो ना, मुझे वो लायर बना लो जैसा तुम फॉरेस्ट में जाकर जो है हारमोनियस साउंड जो प्रोड्यूस करते हो। तो वो एक तरह से विश करे कि वेस्ट विंड जो है उसको भी लायर की तरह ट्रीट करे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करे, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी की ऑटम से उसी तरह से गुजरा है जिस तरह के फॉरेस्ट जो है ऑटम में गुजरता है और उसके पत्ते गिर जाते हैं, पोइट के भी जो लीव्स हैं वो इस तरह से गिर गए, यानी कि उसकी भी जो होप्स हैं जॉयस हैं वो जा चुकी हैं लाइफ की, और वो भी डल हो गया है, ग्रे हो गया है, बैरन हो गया है। तो जब ये बेस्ट फ्रेंड जो है पोइट को और फॉरेस्ट को स्ट्रिंग यूज करेगी तो ये मेलनकोली साउंड प्रोड्यूस करेगी, और वो कहता है कि ये मेलनकोली साउंड जो है तो सैंड साउंड जो है वो एक्चुअली स्वीट साउंड है, जो जिसका जिक्र वो टू अ स्काईलार्क में जिक्र करता है कि जो सैड साउंड है एक्चुअली में ये स्वीट साउंड है, विल टेक फ्रॉम बोथ यानी हम दोनों से लेगा ये वेस्ट विंड अ डीप ऑटमल टोन स्वीट दो इन सैडनेस, जो कि सैडनेस में भी स्वीट लगती है, ऐसी टोन हमसे ये लेगा, ये वेस्ट विंड लेगी। बी दाओ स्पिरिट स्पिरिट माई स्पिरिट, बी दाओ तुम्हारी स्पिरिट माई स्पिरिट, अपनी स्पिरिट को मेरी स्पिरिट बनाओ, यानी कि मुझे अपने जैसा बना लो या मुझे अपना बना लो। बी दाओ मी इम्पीटियस वन, मुझे अपने जैसा बना लो, मुझे अपने साथ यूनाइट कर लो। ड्राइव माई डेड थॉट over the universe like withered leaves to quicken a new birth. जो मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि वो कह रहा है कि पुरानी चीजों उसको उम्मीद है कि पुरानी चीजें खत्म हो रही है और नई चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पे इसी चीज का जिक्र जो है वो कर रहा है कि drive my dead thought, कि मेरी dead thought को दुनिया तक ले जाओ, west wind को कह रहा है, और जिस तरह से leaves बिखर जाते हैं ना नए लीव्स के आने से पहले, ठीक है, उसी तरह मेरी इन थॉट्स को भी यूनिवर्स में फैला दो। ये थॉट्स डेड थॉट्स क्यों है, व्हाट इज मेंट बाय डेड थॉट्स, डेड थॉट्स का मतलब ये है कि उसकी थॉट्स डेड इसलिए हैं क्योंकि अभी तक दुनिया उनको जानती नहीं, नोबडी नोज अबाउट हिज थॉट्स, क्योंकि क्या थॉट्स अबाउट रेवोल्यूशन अबाउट चेंज, ठीक है, और वो किस तरह से अपनी रेवोल्यूशनरी थॉट से दुनिया को चेंज करना चाहता है, पॉलिटिकली सोशली जो चेंजेस लाना चाहता है कोई भी नहीं जानता। तो इसलिए वेस्ट विंड को क्या कह रहा है कि तुम मेरी डेड थॉट को ले जाओ और दुनिया में फैला दो। एंड बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्ड स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हार्ट एशेज एंड स्पार्क माय वर्ड्स अमंग मैनकाइंड बी to my lips to unawakened earth. Incantation आप कहने जादू को कहते हैं, समझ लेना। वो कह रहा है कि कुछ हार्ट की जो कुछ स्पार्क होती है वो कहीं ना कहीं आग लगा सकती है, तो मेरे मैजिकल वर्ड की जो है वो रेवोल्यूशन दुनिया में ला सकते हैं। वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि वो हार्ट की जो कुछ एशिज है स्पार्क जो है वो आग जला सकती है, तो फिर मेरे जो बिखरे हुए वर्ड हैं जो दुनिया तक पहुंचे हुए वर्ड हैं वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन अर्थ, कोई भी दुनिया तक कोई भी अर्थ तक मेरे अल्फाज पहुंचाओ। बी थ्रू माई लिप्स यानी कि मेरी आवाज कहने कि मेरे मेडिकल वर्ड जो है वो दुनिया तक पहुंचा दो। He was deeply satisfied with his surroundings and he was a revolutionary. वो एक revolutionary था और वो चाहता था कि मेरे existing modes of life, conventions और institutions जो हैं वो बदल जाएं। वो
चाहता था दैट द रेवोल्यूशन वुड स्वाइप अवे ओल्ड वेज ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अबाउट चेंज्ड आउटलुक. ठीक है, अनअवेकंड अर्थ का मतलब ये है कि जो अर्थ स्टिल मतलब बरीड अंडर ओल्ड कन्वेंशन, द अर्थ विच इज स्टिल बरीड अंडर ओल्ड कन्वेंशन, बीनीथ ओल्ड कन्वेंशन, ओल्ड हैबिट्स ऑफ थॉट एंड ओल्ड इंस्टीट्यूशन. अब उसको चाहिए कि वो रीबर्थ करे, वो नई चीजें लोगों के लेकर आए. The trumpet of a prophecy, O wind, if winter comes, can spring be far behind? ये last line भी बहुत important है. The trumpet of a prophecy, O wind, if winter comes, can spring be far behind? वो कह रहा है west wind को. The trumpet of a prophecy का मतलब है कि the poet asks the west wind to act as an announcer. Just as trumpet is blown when a proclamation is made. Similarly, the west wind should act as a trumpet because he has a prophecy to make. वो कुछ कहना चाहता है, उसको कोई prophecy करना चाहता है. तो यहाँ पे वो जो कह रहा है कि winter comes can spring be far behind. England की अगर बात करें तो England में winter जो है ना वो बड़ा distress का time होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा cold होती है. तो winter symbolizes the period of hardships and difficulties, while on the other hand, spring season is a season of joy and rebirth in nature. जैसे कि आप दूसरी poet की poetry में पढ़ते हैं, that spring stands for, that spring is a symbol of rebirth, joy, happiness. तो कह रहे हैं कि winter must be followed by spring. So similarly, this period of misery and suffering surely comes to an end, and golden age will come. गोल्डन एज यानी कि जो स्प्रिंग सीजन है वो आएगा, यानी कि गोल्डन एज आएगी इंसानों की, जब इंसान जो है वो जस्टिस देखेगा और एक आइडियल वर्ल्ड में जिएगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, पॉवर्टी खत्म होगी और रेवोल्यूशन आएगा. ये उसकी ख्वाहिश है. सो दैट्स द एंड ऑफ द पोएम. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर.